हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विकी ऑन व्हील्स। तो कैसे हैं गाइस आप लोग? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। तो गाइस अपने साथ खड़ी है आज बजाज पल्सर NS 200, जिसकी मैं कुछ मतलब भाई बुराइयों के बारे में बताना चाहूँगा कि जिस हिसाब से आपको ये लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। तो आइए गाइस, सबसे पहले मैं बात करूँगा इसके मतलब फीचर लेस, मतलब कोई आपको फीचर्स नहीं मिल जाते इसके अंदर। फीचर्स के नाम पे आप लोगों को गाइस बहुत कम फीचर मिल जाते हैं, जैसे ABS वगैरह मिल जाता है और डिस्प्ले, ये तो नॉर्मल सी चीज़ें हैं, मतलब आ जाती है। बाकी मेरे हिसाब से कोई इसमें अच्छा खासा आपको फीचर्स नहीं मिल जाता है। और ये दिल्ली में आपको कहीं ना कहीं ऑन रोड मिल जाएगी 1,74,000 रुपये की, आपको मिल जाएगी अपने आसपास के किसी भी शोरूम पे मिल जाएगी। और सबसे पहले मैं बुराइयों की बात करता हूँ भाई इसमें जो है टायर की, तो भाई इसके टायर जो है ना बहुत ही मतलब इतने अच्छे खासे नहीं है। आगे आपको 100 सेक्शन का टायर मिल जाता है, पीछे 130 सेक्शन का टायर मिल जाता है जो कि नॉन रेडिएटर है। जैसे कि आप लीन वगैरह करते हैं या कभी कीचड़ उचड़ में या पानी वगैरह में जाते हैं तो इस टायर पे आपको बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा। और अब यहीं पे मैं बात करूंगा भाई इसकी सबसे दूसरी बात जो है कि इसके ग्राउंड क्लियरेंस। तो यहीं पे मैं आप लोगों को आपको इसका ग्राउंड क्लियरेंस दिखाता हूँ जो भाई बहुत ही कम है। अगर आप जैसे ब्रेकर वगैरह या कहीं पथरीली जगह है, पत्थर वत्थर वाली है, तो भाई ये गाड़ी वहाँ पर आप लोगों को बहुत प्रॉब्लम फेस करने को दिखाएगी। जैसे कि कहीं ना कहीं लड़ेगी, इसके जो साइलेंसर है जैसे कि आप देख सकते हो भाई मतलब बहुत ही नीचे आ रहा है। तो ये अगर जैसे तेज स्पीड में अगर लगता है तो कहीं ना कहीं टूटने का दिक्कत है या क्रैक होने का दिक्कत आ जाता है। और गाइस अब बात करेंगे इसकी लाइट की, तो भाई जो लाइट देती है बजाज भाई वो देती है हाइलोजन, आपको हेडलाइट भी हाइलोजन मिल जाएगी और जो इंडिकेटर हैं वो भी आपको हाइलोजन मिल जाएगा, जो कि भाई आपको इतनी अच्छी खासी विजिबिलिटी नहीं दिखाता रोड पे, तो उस चक्कर में आप लोगों को कहीं ना कहीं इसमें दिक्कत फेस करने को मिल सकती है। और भाई एक हीटिंग प्रॉब्लम बता देता हूँ भाई, अच्छी खासी ये हीटिंग देती है, जैसे कि आप गर्मी में अगर चला रहे हो तो आपको कहीं ना कहीं हीटिंग फेस करने को मिल जाएगी। और जैसे जाम वगैरह में हो तो आपके जो जांघे वगैरह हैं वहाँ पे आप लोगों को बहुत दिक्कत होने वाली है, तो गर्मी में कहीं ना कहीं आपको ये दिक्कत करेगी। और वहीं अगर ठंड की बात करूँ तो गाइस ठंड में आप लोगों को मज़ा आने वाला है। तो भाई यही कुछ अपना एक्सपीरियंस था जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा था। एक्सपीरियंस क्या मतलब है, इस गाड़ी में जो कमी है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा था। तो आई होप कि आप लोगों को अगर ब्लॉग पसंद आया होगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।